नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आज भारत के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में क्या बदलाव देखने को मिला है। जानेंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का ताजा दाम। लेकिन दोस्तों सोने और चांदी का भाव जानने से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी खबरें है, फटाफट से हम सारी खबरों को जान लेते हैं। चलिए तो आज की पहली खबर है, टिकटॉक भारत में जल्द करेगा वापसी, जाने इस बार किस नाम से एंट्री की कर रहा है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, चीन का शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन यानी कि टिकटॉक भारत में वापसी की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बार ऐप का नाम बदला हुआ होगा, इस बार नए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ने संकेत दिया है कि भारत में वापसी के लिए इसका नया नाम टिकटॉक हो सकता है, यानी कि TICKTOCK हो सकता है। चलिए तो अगली खबर है, स्कूल खोलने को लेकर क्या है ICMR की राय, जानिए आपके राज्य की क्या है स्थिति। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद में भले ही कुछ राज्यों ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को खोलने का ऐलान किया हो, लेकिन ICMR ने उच्चतर शिक्षा के बजाय प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई पहले शुरू करने की सलाह दी है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने चौथे जीरो सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ता है और इसी वजह से उन्होंने देश भर में प्राथमिक शिक्षाओं को यानी कि प्राथमिक कक्षाओं को पहले खोलने की सलाह दी है। चलिए तो मौसम विभाग को लेकर अगली बड़ी खबर है, यूपी बिहार दिल्ली सहित इन राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। चलिए तो अगली खबर है, कोरोना से हुई मौतों पर केंद्र की सफाई, सरकार बोली ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं, राज्यों की रिपोर्ट का दिया हवाला। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। चलिए तो अब बात करते हैं भारत में सोने के दाम की, सबसे पहले जानते हैं चांदी का दाम। तो चांदी का दाम कुछ इस प्रकार से है, प्रति एक ग्राम का 66.60 पैसे, प्रति 8 ग्राम का 532.80 पैसे, प्रति 10 ग्राम का 666 रुपए, 100 ग्राम का 6,660 रुपए और प्रति किलोग्राम का 66,600 रुपए चांदी का दाम हो चुका है। कल की तुलना में आज चांदी के दाम में प्रति किलोग्राम के अनुसार 900 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। चलिए तो बात करते हैं सोने के दाम की, सबसे पहले जानते हैं 18 कैरेट सोने का दाम। तो प्रति 10 ग्राम के अनुसार 36,233 रुपए पर 18 कैरेट सोने का आज का दाम चल रहा है। वही 22 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 4,731 रुपए, 8 ग्राम का 37,848 रुपए, 10 ग्राम का 47,310 रुपए, 100 ग्राम का 4,73,100 रुपए 22 कैरेट सोने का दाम हो चुका है। 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1 ग्राम का 4,831 रुपए, 8 ग्राम का 38,648 रुपए, 10 ग्राम का 48,310 रुपए, 100 ग्राम का 4,83,100 रुपए 24 कैरेट सोने का आज का दाम है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। विकल्प है संजय बंसल, सोहन ठाकुर, पुष्कर सिंह थामी या फिर रजनीश कुमार। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए तो ये था दोस्तों आज का सोने और चांदी का ताजा दाम और कुछ काम की उपयोगी खबरें। वीडियो को लाइक करने के साथ में नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों मित्रों के साथ में फेसबुक व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।